कुछ हम बेहतरी की तरफ आएँ, और बेहतरी की तरफ तब आते हैं जब अपनी खामियाँ और गलतियों को हम थोड़ा सा फोकस करेंगे और सुधारेंगे। हिबा, हमने जाना है एक ब्रेक की तरफ, अब बताओ कि क्या कर रहे हैं। चॉकलेट मेल्ट हो गई है, बस मैं क्रीम ऐड करूँगी और उसको मिक्स कर दूँ। बिल्कुल बिल्कुल, डाल दो। इक्वल क्वांटिटी 100 ml क्रीम है और 100 ग्राम्स आपने चॉकलेट लिया है, तो ये गनाश बन गया। अब रेमिकन्स में इसको किस तरह से डालेंगे हम ब्रेक लेके आपको बताएंगे। चोको लावा केक अज्जा। चीनी 1 कप, मैदा 312 ग्राम, कोको पाउडर 187 ग्राम, बेकिंग पाउडर 1/4 चाय का चमचा, बेकिंग सोडा 1/4 चाय का चमचा, तेल 1/4 कप, नमक आधा चाय का चमचा, दूध आधा कप, अंडा 1 अदद, गर्म पानी आधा कप, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, गनाश के अज्जा, क्रीम 100 मिलीलीटर, चॉकलेट 100 ग्राम। चोको लावा केक अज्जा। चीनी 1 कप, मैदा 312 ग्राम, कोको पाउडर 187 ग्राम, बेकिंग पाउडर 1/4 चाय का चमचा, बेकिंग सोडा 1/4 चाय का चमचा, तेल 1/4 कप, नमक आधा चाय का चमचा, दूध आधा कप, अंडा 1 अदद, गर्म पानी आधा कप, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, गनाश के अज्जा, क्रीम 100 मिलीलीटर, चॉकलेट 100 ग्राम। आधा शो हो गया, लेकिन अभी तक चीज़ें जो हैं वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि मुझे दिल चाह रहा है ना कुछ खाने का, चखने का। अच्छा जी, हम बताते हैं, आपने ये पूरा मिक्सचर बना लिया। जी मिक्सचर, हाँ। पहले मिक्सचर को पोर करूँगी इसके अंदर थोड़ा। रेमिकन्स में हमने पहले बटर से ग्रीस किया और फिर उस पर कोको पाउडर डाल कर उसको डस्ट कर दिया, ताकि अच्छा हाफ 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 ठीक है। आप ऐसे डाल सकते हो कि हमारा कैमरा ले ले। अच्छा चलो ठीक है, मज़ेदार ये बना है। ठीक है, और अब ये गनाश, गनाश ठीक है सेंटर में। ओके, तकरीबन 1 टेबलस्पून भर कर आप 1 टेबलस्पून भर दें। ठीक है, मज़ेदार चॉकलेटी, चॉकलेट लवर्स जो हैं वो ये ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, लावा केक लोगों को वैसे बहुत पसंद है, बट मुझे ये लगता है बहुत ज़्यादा चॉकलेट हो जाता है ना वो, थोड़ा हाँ, सा सब कुछ पसंद नहीं आता, लावा लावा सा गीला गीला सा। इसमें वापस मैं और ऐड कर दूँगी, ऊपर से कवर कर दूँगी लावा। सही है। मिसेस रोशन की कॉल है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप कैसे हो? आई ऑलवेज एडमायर योर प्रोग्राम, आई एम अ पारसी लेडी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई शो। आई एडमायर योर ड्रेस एंड आउटफिट एंड एवरीथिंग, आई एडमायर। थैंक यू सो मच। ये हबीबा जो आज आई है स्टेज पे, वो सिखाती भी है, क्लासेस लेती है या नहीं लेती है? अरे बेचारी बहुत छोटी सी है ये अभी, और इतनी छोटी उम्र में इन्होंने अभी जॉब वॉब भी कर ली है, यहाँ जिनसॉय में भी काम कर रही हैं। आई रियली एडमायर यू वेरी मच, आई ऑलवेज विशेस दैट आई गेट द कॉल फ्रॉम यू। अरे सो स्वीट ऑफ यू, व्हेन आर यू कमिंग टू माय शो? या व्हेन आर यू कॉलिंग मी? व्हेन आर यू कमिंग? व्हेन डू यू वांट टू कम? I'm a teacher. I'm busy with the students. Oh, okay. लेकिन इतनी जब से छुट्टियाँ थी तब आ जाना था आपने। बहुत कम मिलती है। बिल्कुल भी। आप क्या अच्छा बना लेती हैं? I'm also very good cook. Really? I love to cook and I want to see the program. अच्छा, नहीं आप क्या चीज अच्छी बनाती हैं? क्या चीज सिखाएंगी अगर lively weekends में? हमारा तो Parsi style like zarna quiz है, we teach. बस सही है, आपसे मैं फिर पारसी डिशेस सीखूंगी। आप लिस्ट भेजें हमें। Do come to my house. I will, but you come first to my weekends. I want you first in my show. Yeah, thank you very much. All right, see you soon. My visa granted to speak to you. Okay, no, my pleasure. Thank you. Have a nice day.
खुदाफिज़। मैं इसको अवन में रख रही हूँ, ठीक है, ठीक है, 120 पे फॉर 15 to 20 मिनट्स। ओके, फॉर 10 to 15 मिनट। ठीक है, 10 से 15 मिनट के लिए इसको अवन में रखेंगे, प्री हीटेड है 180 डिग्रीज पे। अभी हम आप देखें वहाँ पर हमने अवन से चिकन भी निकाल दिया और इतना अच्छा इसका कलर आया है। उसकी सॉस टोर्नेडो सॉस अभी हमने बनानी है, तो वो हिबा आपको अभी सिखा देती है। हाँ जी हिबा, चॉकलेट हो गया यहाँ से चीज़ें, अब हम हटा देंगे। अच्छा, ये वेफर्स आपने रखे हुए हैं? जी वेफर्स रखें गार्निशिंग के। अच्छा, ये गार्निशिंग की चीज़ें हम साइड कर देते हैं, बाकी हम हटवा देंगे। सॉस पर आ जाते हैं, टोर्नेडो सॉस कुक होगी ये सॉस? जी कुक होगी। ठीक है। अच्छा हिबा की नेचर और इनकी पर्सनालिटी परफेक्ट है, जो होटल में लोग जिस तरह से काम करने चाहिए ना, कि काम से काम सुकून से अपनी कुकिंग करेंगे, देखेंगे, सुपरविजन करेंगे, है ना? जब ज़्यादा शोर शराबा नहीं लाओ, मैं चला दूँ, मैं खड़ी नहीं हूँ। उन्हें किरण आप प्लीज़ ऑन कर। थैंक यू। अच्छा जी, चिकन को बेक करने के बाद आपने देखा उसमें से जो चीज़ थी, चेडर चीज़ थी, वो अच्छी ऊज आउट भी हुई है। ऑयल सबसे पहले इसमें ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल को हीट करना पहले, ठीक है, ताकि इसमें अनियन सही से ब्राउन हो जाए। ठीक है, मतलब लाइक कलर चेंज हो। सही है। फ्राइड सीख कबाब और एक हमारी ड्रिंक वो रहती है, हमने कहा वो सुकून से हम बता आराम से। सही है। अम्मी को आपके हाथ का क्या पसंद है? अम्मी को मेरे हाथ की बिरयानी पसंद है। बिरयानी ही या कोई ख़ास तरकीब से बनाती हो बिरयानी? तरकीब से नहीं, लाइक उसमें गार्निशिंग बहुत ज़्यादा करती हूँ मैं बिरयानी में। गार्निशिंग एग, पुदीना, धनिया। अच्छा, तो उसका फ्लेवर्स बहुत अच्छा। अच्छा अच्छा, वरना मसाले में वही नॉर्मल जो नॉर्मल मसाला, ये अपना पैकेट यूज़ करती हो या अपने मसाले? कभी पैकेट यूज़ करती हूँ, कभी अपना मसाला। सही है। हर एक के कितने तरीके हैं ना एक बिरयानी बनाने में, हर कोई अपने अपने स्टाइल। फिर वो हरे मसाले की बिरयानी। अच्छा जी, चॉप प्याज, अनियन ऐड करूँगी, थोड़ा सौते कथम। मेरे जाने का इतफाक़ हुआ है भी एक दो दिन पहले, एंड आई वाज हाईली इम्प्रेस्ड, मुझे बहुत मज़ा आया कथम में। स्पेशली वो लोग जो प्रोफेशनली अपने इस शौक़ को आगे लेकर जाना चाहते हैं, तो वो बहुत ज़बरदस्त इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छा इनका कैंपस बना हुआ है, बड़े डिसिप्लिन वहाँ पर मुझे दिखा, और आई थिंक इट्स वन ऑफ द टॉप है ही वैसे हमारे पास कम ये सारे कल्नरी इंस्टीट्यूट्स, लेकिन बड़ी अच्छे तरीके से ट्रेनिंग वहाँ पर दी जा रही है। और प्लस जितने भी लोग वहाँ से निकलते हैं डिप्लोमा और ये ट्रेनिंग लेके, कुछ उनका अपना पोटेंशियल, ठीक है, उनका अपना पोटेंशियल भी होता है, लेकिन आपकी अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा खुल जाती हैं आपकी, अगर वहाँ से जैसे आप ट्रेनिंग लेके निकलते हैं। तो आपको कैसा लगा वहाँ पर जो आप सीख रही हैं डिप्लोमा? मैंने काफ़ी अच्छा सीखा है वहाँ से, काफ़ी कुछ सीखने को मिला, कुछ सीखा है वहाँ से। चलें जी, हम शो कर लेंगे वहाँ पर जाकर। किचन विचन भी उनका बहुत ज़बरदस्त, हर चीज़। और शेफ़ से तो आपकी ट्रेनर्स जो हैं वहाँ के बॉसेस, उन सब से ही हमारी मुलाकात हुई, हमारे शो पे भी आए हैं। तो मैं सब क्रश चिली ऐड करूँ थोड़ी सी? ठीक है, अनियन, गार्लिक, क्रश चिली, ब्लैक पेपर। सही है। ये टोर्नेडो सॉस, टोर्नेडो सॉस, सॉल्ट, ठीक है, वाइट पेपर, वाइट पेपर। हाँ, ये खा के तो हम घूम जाएंगे द बेस्ट टोर्नेडो की तरह, मिर्चों से। अच्छा, टबेस्को। अब टबेस्को ना हो तो आप कोई भी हॉट सॉस इस्तेमाल कर सकते हैं, चिली सॉस नहीं, एक हॉट सॉस होती है पत्नी वाली, आप वो इस्तेमाल कीजिए। मैं इसमें डाइल्यूटेड क्रीम ऐड करूँगी अब। ठीक है, क्रीम और पानी? जी डाइल्यूटेड क्रीम। अच्छा, डाइल्यूटेड क्रीम, मतलब क्रीम पहले डाल दें और पानी डाल दें, एक ही जी बात होगी? नहीं नहीं, इसको मिक्स करके डालना ज़्यादा सही होता है, ज़्यादा तो लोग बोलते हैं क्रीम फट जाती है, हाँ, आपकी, हाँ। तो इससे फटती नहीं। ठीक है, देख लें, ये अपना कॉथम में सीखा होगा आपने। जी ठीक है, डाइल्यूटेड क्रीम डाली है, ये कितनी अप्रॉक्सीमेटली ये है लाइक हाफ कप से भी कम। ठीक है, हाँ हाँ, वो आपके चिकन के हिसाब से इसकी सॉस आपने बनानी है, बहुत मज़े की क्रीम होगी ये। थोड़ा सा वाटर ऐड करूँगी इसमें।
प्याज, लहसुन, नमक, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, लाल कुटी हुई मिर्चें और क्रीम। वाह वाह, थोड़ी सी चेडर चीज़ ऐड करूँगी। अच्छा, क्रीमी चीज़ी क्रीम और टबेस्को भी डाली है हमने। हाजरा की कॉल इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है किरण? ठीक हो? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, फर्स्ट टाइम कॉल मिली है मेरी। अरे वाह, कब से ट्राई कर रही हैं? मौसम भी अच्छा हो रहा है इस्लामाबाद का और खुशी भी बहुत हो रही है मुझे। हाँ, ये सॉस आपने देखी है, बहुत मज़ेदार बना रही है, टोर्नेडो सॉस चिकन के साथ। अभी लाइट नहीं है, मैं देखूंगी रिपीट में। ओए होए, रात 9 बजे जरूर देख लीजिएगा। जी मैं जरूर देखूंगी। किरण इस्लामाबाद में भी आए ना? आ रही हूँ। हम भी आपके फैन हैं सब। आ रही हूँ जी, जरूर आए। मैंने नंबर लिखवाया है, तब मुझे कॉल जरूर कीजिएगा जब आप आएंगे। अच्छा अच्छा, बड़ी मेहरबानी होगी। ये सॉस रेडी, बहुत प्यारी लगती है माशाल्लाह, मैं देखती रहती हूँ शो आपका। चले सही, रिपीट में भी देखती हूँ मैं। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, खुश रहे। अच्छा जी, इस अभी इन्होंने सॉस में क्रीम के बाद थोड़ा सा पानी जो और ऐड किया और मस्टर्ड पेस्ट ऐड किया। अब चख के बताओ सही है, परफेक्ट है, मज़े की है? चखा उन्होंने, जायका मुझे आ रहा है। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। उसकी जो भी गार्निशिंग है चिकन के ऊपर, चिकन के स्लाइस करोगी? जी ये कट करूँगी इसको। कट करेंगे तो हम अंदर से भी वो चिकन और चीज़ को ज़रा देखेंगे, पालक को, और आते हैं सीख कबाब बनाते हैं इसके। चिकन फ्राइड सीख कबाब। अज्जा, तेल 10 मिलीलीटर, कटी प्याज 40 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 20 ग्राम, चिकन का कीमा आधा किलो, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, पिसी हल्दी 1/4 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक हस्ब ज़ायका, कटी हरी मिर्चें 25 ग्राम, मक्खन 70 ग्राम, दही 83 ग्राम, क्रीम 100 मिलीलीटर, 50 मिलीलीटर पानी, अदरक जुलियन 10 ग्राम, कटा धनिया आधी गट्ठी, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा। चिकन फ्राइड सीख कबाब। अज्जा, तेल 10 मिलीलीटर, कटी प्याज 40 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 20 ग्राम, चिकन का कीमा आधा किलो, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, पिसी हल्दी 1/4 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक हस्ब ज़ायका, कटी हरी मिर्चें 25 ग्राम, मक्खन 70 ग्राम, दही 83 ग्राम, क्रीम 100 मिलीलीटर, 50 मिलीलीटर पानी, अदरक जुलियन 10 ग्राम, कटा धनिया आधी गट्ठी, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा।